रज रजा के गिरजर पानी, कोनो हरिया जाही कोनो फरिया जाही, खिल जाही रात के रानी, खिल जाही रात के रानी। रज रजा के गिरजर पानी। कृषि दर्शन कार्यक्रम देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, पानी के बात करत हन तो देखो थोक बहुत पानी गिरत है। सबो मनखे है ऊपर कोती देखत है कि सरग ले कब पानी गिरही। कई जगह ब्यासी हो है, कई जगह ब्यासी नहीं हो है। कोनो ये साल तो रोपा तक नहीं लगा पाए है, कोनो बोता तक नहीं लगा पाए है। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता बड़ मेहनत के बूता आए, लेकिन देखो कि किसान मन है सरग ले पानी के भरोसा रिबे तो पानी नहीं गिरते। का कारण है कर? बहुत से कारण है संगवारी हो। आज देखो खेत खलिहान में पेड़ नहीं दिखे, कोनो मेर जाबे तो छइहा भर पेड़ नहीं दिखे। तो कथे कि पेड़ नहीं रही तो पानी भी नहीं गिरे। मनखे अपन स्वार्थ भर पेड़ पौधा काट डरीस, अब पानी पानी करत हन। संगी हो, पानी सब ला चाहिए, मन खेल चाहिए, चिड़ै चिरगुन ला चाहिए, पशु ला चाहिए, खेत ला चाहिए, कारखाना ला चाहिए, सबो ला पानी चाहिए। लेकिन पानी आ ही कहाँ से? पानी सिर्फ सरग ले आते संगवारी हो। लेकिन पानी बचाना है, बूंद बूंद के कीमत है संगी हो। जतका भी पानी हमार तीर अभी बाँचे है, ओला कैसे बचा के रख सकन, ये बारे में हमला सोचे के विचारे के जरूरत है। बहरहाल संगवारी हो, गोड़ बात करत रहे यदि तो मोर सुरता नहीं आवत रही से भीमलेश हाँ चले गए है खेत कोती। संगवारी मन से गोड़ बात करूँ कि के तो संगवारी हो, भीमलेश भैया हाँ का गोठी आवत है ओला मैं बाद में बताऊँ। ओकर पहली है आप मन भर कुछ तकनीकी संदेश, ओला देखो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से लागू की गई थी और गत वर्ष भी ये लागू हुई थी और इस साल भी इसको लागू किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के बुआई से लेकर के खड़ी फसल से लेकर के कटाई तक का बीमा इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। तो संगवारी हो, मोर संगवारी है आप मन के मितान है भीमलेश साहू हा। संगवारी मन से चर्चा करत है खेती किसानी के बूता के बात करत है, किसान मन से चर्चा करत है धान के वैज्ञानिक खेती के बारे में। संगवारी हो देखो, आज के समय में आधुनिक जमाना है, आधुनिक खेती होना चाहिए, वैज्ञानिक खेती होना चाहिए, इसे कथन। तो भीमलेश साहू तीर चलथन सीधा खेत में, ओकर से गोड़ बात करत है, किसान मन से गोड़ बात करत है, तेला सुनथन आधुनिक खेती धान के बारे में। आज हमन ह गोड़ बात करबो, चर्चा करबो कि हम धान के उन्नत और वैज्ञानिक ढंग ले खेती कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में। और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमार संग महाभय तुषार वर्मा जी। वर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जिसे हमारे संगवारी मन आप मतलब देखा थे, बहुत बढ़िया उन्नत ढंग ले आप धान के खेती लगा रहा था। सबले पहले हम यही जानना चाहबो, हमारे किसान भाई मन यही जानना चाहते कि ये जो धान अपन उगाए हो ये कौन से धान हरे? जी सरना धान है। सरना धान हरे। ये जो हम देखा था ना आप मन के खेत ला, इमा उगाए के कर अलग ढंग के विधि है भाई, का कोई विशेष विधि के तहत एला आप मन धान लो उगाए हो? जो विशेष विधि तो ये है कि मैं एकड़ में 20 किलो के हिसाब से थरा डाल था। अच्छा। और 15 से 20 दिन के अंदर, 22 दिन के अंदर रोपाई कर देता। तो उगा से अच्छा कल्ला अच्छा निकलता है और उत्पादन में बहुत मतलब अच्छा उत्पादन आते हैं। अच्छा, ये जिन धान हबे कतेक दिन के धान हरे है, कतका दिन में हम लोग उत्पादन कर मिल जाते? ये 145 दिन के धान है, लेकिन काटा तो 150 दिन के लगभग हो जाते। जी जी, ये बहुत अच्छा भैया। अब आप में हम ये जानना चाहबो कि जेन आप मन सरना जेन धान बताया हो, ये जेन बीज है यह कैसन ढंग के प्रमाणित करे हो, उपचारित करे हो? ये बीज अलत खाए मैंने, बीज निगम से भी ले लेता था नया पर, और घर के बीज रखता था। फिर नमक घोल में 17% के हिसाब से वाला ड्रम में 100 लीटर पानी में 17 किलो गाढ़ा नमक डाल के घोल बना था। अच्छा। और फिर अच्छे तरीका से लाके ऊपर के बीज फेंक देते जो बिझारी थे वाला। हाँ, नीचे जो बैठते हो बीज है, फिर प्रमाणित बीज बन जाते। और मैं बायोस्टीन डाइथेम 45 के 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से वोला बीजोपचार कर था। ओको बाद फिर वो आपके हो गए प्रमाणित बीज के लगभग समतुल्य बन जाते हैं। जी जी, तो एक से हम बचाव हो जाते कई प्रकार के रोग राई से, रोग है नहीं से, पपुनु नाशक से बचाव हो जाते। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताऊँगा आप कि हम शुरुआत में तो अपन जमीन की तैयारी कर डरें, उस समय में
अब हम थरहा लगाए के जब बात आई से है ना, तो एक बार मतलब थरहा आने नर्सरी लगा था ना अपन, कैसन ढंग के नर्सरी के तैयारी करे हो, कतका कन में लगाए हो, एक एकड़ में कतना कन पौधा के? इमें ऐसे नहीं थे कि एक एकड़ में, एक एकड़ के दसों भाग में थरहा डालना है। अच्छा। जैसे एक एकड़ में आप रोपा लगाना है तो 10 डिसमिल के लगभग मतलब खेत लग जरूरत पड़ते है, एक एक एकड़ पर मतलब दसवा हिस्सा के जरूरत पड़ते है, और हिसाब से जो एकड़ है उस हिसाब से आप तैयारी कर लो इसे ढंग। जी जी जी। ये कतेक दिन में हमारे जिन खेत में वो एक लिख हम सरहा हो जाते? मतलब 25 दिन, 20 से 22 दिन के अंदर हो जाते मतलब। अच्छा रही गया तो 15-20 दिन में भी तैयार हुए थे, लेकिन 22-23 दिन में रोपा लग जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। जी जी जी। तो ये समय में हम जैसे थरहा लगाथन या रोपा लगाथन, वो समय में जैसे अत्यधिक पानी भी गिर सका थे या कैसन ढंग के पानी के व्यवस्था करथन ओकर हिसाब से? खैर में तो मताए के लिए तो पानी की जरूरत तो पड़बे करते, ट्यूबवेल वाला है तो अपन हिसाब से साधन चालू कर ले, हम तो ट्यूबवेल वाला है तो हिसाब से पानी पंप चालू करके अपन रोपाई चालू कर दे, हम पानी भी गिर गए तो वो अच्छी बात है। अच्छा। ज़्यादा पानी निकाल देते हैं खोल के, मुही खोल के, यानी कि हम खेत में पानी निकासी के भी व्यवस्था पूर्ण होना चाहिए, होना चाहिए। जी जी जी। ज़्यादा पानी भी मताद नहीं बना, रोपाई लगत नहीं बना, नुकसान पौधा का लग डर रहे थे। जी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है संगवारी हो, ये बात ला आप मन विशेष रूप से ध्यान रखू कि यदि आप मन थरहा लगात हो और रोपा लगात हो तो पानी की आवश्यकता तो पड़ते, लेकिन अत्यधिक पानी अगर भर जाही तो ओमा गले के डर रही थे, तो पानी के निकासी एक निश्चित तौर पे ही पानी ओमा भरे रहा है, पानी के निकासी के साधन हो है कि प्रकृति द्वारा कहीं पानी गिर गए तो वो पानी आराम से निकल जाए। बहुत अच्छा बात बताया भैया आप। एबा अब हम जानना चाहबो कि जब हम हाँ अपन खेत में रोपाई ला शुरू करथन उस समय हम लोग कौन कौन से प्रकार के खाद कंपोस्ट डालने लगते? जी ओमें बेसल में तो अपन DAP डाल देते, आधा बोरा से कई हैं आधा बोरा डाल देते हैं अपन, एक बोरा तक भी डाल देते हैं, और पोटाश डाल के रोपाई करते हैं। अच्छा अच्छा। इसे ढंग के है मतलब वही समय मतलब बेसल में जी आधार खाद में वही डालने लगते हैं, बाद में 15-20 दिन फिर वो यूरिया के हल्का ड्रेसिंग करने लगते हैं। जी जी। 2 बार यूरिया डालते हैं अपन तो हो जाते हैं बाद फिर। और अभी जैसे हम देखा था पीछे तरफ में बढ़िया हमारे किसान भाई मन है दवाई छीटा था भाई है ना, और बढ़िया सिस्टम में से छूटा थे, बढ़िया आँखी मुँह कान ला बांधे है। संगवारी एक विशेष महत्वपूर्ण बात हुआ रही कि आप मन जब भी दवाई छीटू, दवाई है हानिकारक होते ये ला आप मन है मुँह कान बांध के ही दवाई ला छीटू, जिसे कि आप मन देखा था बढ़िया छीटा था वो मन। भैया कहाँ दवाई छीटा थे यह और कतका कतका दिन में छीटना है ला? ये दवाई तो खैर अभी हल्का से मौसम ख़राब है, उमस उमस की स्थिति, थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा नाम से, माहों के प्रकोप दिखा था अभी शुरू हुआ है। हाँ हाँ। तो माहों के बाद वही इमिडाक्लोरोपीड डाला था 10 ml एक स्पेयर में। जी जी जी। और फंगीसाइड डाला था, बस 2 प्रकार के दवाई हमें चला था। जी तो अच्छा। निकले तैयारी भी हो गए। हाँ हाँ। 3 महीने भी ऊपर हो गए। ऊपर हो गए तो आखिरी एक ही बार डाल था ना, मैंने हमारे तरफ ज़्यादा दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़े, खाद के प्रयोग कम करता था ना, वह मैंने कंपोस्ट खाद में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा सर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो रासायनिक खाद के प्रयोग कम करता हूँ मैं। जी जी। बहुत अच्छा बात बताया भैया, और ये हर किसान भाई ला सोचना चाहिए कि अपन अपन क्षेत्र में ओमन है कंपोस्ट खाद मतलब कहना चाहिए कि जिन हम खाद गोबर खाद उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें और गोबर खाद से ही वो है अपन क्षेत्र में खेती ला करें। भैया जैसे आप मन बताया हो कि कैसन ढंग के हमार संगवारी मन है एमा आप जो चाइनीज विधि जिसे बताते रहे हो आप, का हारे हो चाइनीज विधि है? चाइनीज़ विधि में यह है कि रस्सी में लगाना है, मैं 6x6 में 6x8 भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो ये देसी धान है तो 6x6 में करें ना, ये हाइब्रिड धान लगाना तो 6x8 में रस्सी मतलब रस्सी से लगाना है। अच्छा। पूरा पश्चिम दिशा में उड़ती बुड़ती जो कि था ना वो दिशा में रोपा लगाना है, तो ओकर से बीमारी भी कम आते और हवा पास भी होते, धूप पौधा ला धूप भी बराबर मिलते और हवा हवा भी बराबर मिलते, तो ओकर से बीमारी उमारी आए चांस बहुत कम रही था, मतलब उत्पादन भी अच्छा है, मतलब छिर्रा जो लगा था ना ओकर से एक उत्पादन बहुत बढ़िया है। भीमलेश भैया रुक 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 संगवारी हो, देखो भीमलेश भैया जब गोड़ बाल शुरू करते ना तो गोठियाते रही थे, का पर संगवारी हो कंपेयर मन के बातें जो अलग रही थे, माइक ले धरिस तो गोठिया नच रही थे, तो संगवारी हो अब बेरा हो गए आप मन भर कुछ खास संदेश दिखाए के, तो ले वो देखो आप मन भर है कुछ खास। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड?
अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कहर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36-44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। ए लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो भाई संगवारियों, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। हमारे मन के चर्चा चलत रही से कि धान के उन्नत खेती कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में। तो भैया जैसे आप बता हो कि थरहा लगाए हैं और हम कई प्रकार के हम खाद और खातों के उपयोग करें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हाँ गोबर खाद के उपयोग करें हैं, नाडेप के उपयोग करें हैं। तो हम ये जानना चाहबो कि एक किसान अगर लगाते एकड़ भर में ओला कितना उत्पादन आ जाते और कैसन ढंग के फायदा हम कमा सकते हैं? जी जी, अच्छा से अच्छा उत्पादन तो 24-25 क्विंटल है, मतलब यहाँ मतलब 20 क्विंटल तक तो मिनिमम आ ही जाते हैं। जी जी, तो हम 24-25-23 तक के भी आ जाते हैं, मतलब मौसम के ऊपर भी निर्भर है, वो क्लाइमेट कैसे है, मतलब एकर वातावरण के ऊपर भी थे, कीट पतंग नहीं लगी तो फिर अच्छा उत्पादन आ गए, टाइम में काम भी हो गया तो वो ऊपर सब फर्क पड़ते, पानी गिरना चाहिए, ये सब है मौसम के ऊपर। मैंने सही बात है भैया, ये तो बहुत अच्छा बात है रे, लेकिन एक संगे संग मौसम से निपटे के भी तैयारी आप मन करके रखते हो, तो कैसन कैसन प्रकार के यहाँ कीड़ा प्रकोप लग सकते देकर तैयारी आप मन रखते हो? जी हमें तो जब ही निकले तैयारी में तो सीड ब्लाइट है, ब्लास्ट है, और आपके माहू हो गए, तना छेद हो गए, तना छेद पर भी एक बार पोटास के साथ दवाई डलवा रहे हम हैं, फटेरा करके दवाई हरे, 4 किलो एकड़ में लगते हुआ बोला मैं, एक महीना पहले पोटास के साथ मिल के मिला के डलवा रहे हैं, तो तना छेद भी उमस उमस में बहुत तना छेद आते, ऊपर से बहुत नुकसान होते, 25-30% आपके फसल मतलब नुकसान कर देते, ध्यान नहीं दूते ऐसे है। और अभी ये समय सितंबर महीना में ब्लास्ट है, सीड ब्लाइट है, सीड राड है, एक बार विशेष ध्यान दिल लगते ये मौसम में। अभी सितंबर महीना में उमस के ज़्यादा पड़े थे, कुंवर महीना जो लगी था तो हमें विशेष ध्यान दिल लगते, एक आध स्प्रे कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब मतलब किसान लाभ होते, हानि के संभावना चांस कम हावे कहे जाए, है नहीं? तैयारी आप अच्छे से रखो तो फिर हानि होने की संभावना नहीं, मतलब पहली सजग रह लगते हैं। सुबह शाम 2 टाइम निरीक्षण करना चाहिए, बिल्कुल पानी वानी लिखना चाहिए, निकले समय 3-4 इंच पानी होना चाहिए खेत में, तो कैसे उत्पादन में बहुत फर्क पड़ता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी मतलब देखो गरबर संगवारी हो, आप मन भी सुने देखो कि कैसन ढंग के हमारे तुषार वर्मा भैया अपन क्षेत्र में सरना धान के खेती ल करत है, चाइनीज पद्धति से वो धान ल लगाए हवे और विभिन्न प्रकार के खाद खातू एक जागरूक किसान है करते वैसे ही करत हवे। संगवारी हो ये दे,
भीमलेश भैया है, किसान मन से गोड बात कर रहे थे, इस तेल आप मन सुने हो देखे हो आधुनिक समय में आधुनिक खेती के बारे में, धान के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। आप मन संगवारी हो, धान के कटोरा हमर छत्तीसगढ़ ल कथे, हमर देश ल कृषि प्रधान देश कथे, तो ये संबंध में आपो मन जागरूक हो, आधुनिक खेती करो, कोनो भी प्रकार के खेती करो, धान के हो चाहे कोनो भी विषय के खेती करो, लेकिन आधुनिक खेती करो संगवारी हो, जेकर से आप मन ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। संगवारी हो, गोड़ बात करत रहिए, काम उतर करत रहिए तो शरीर थोड़ा थक जाते, तो मनोरंजन के हो जाए बात तब मन हरिया थे, तो ले वो आप मन भर है छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। सुरताय के दिया ला तैवा, सुरताय के दिया ला तैवा, अंधियारी मन ला नैना के बरती झनमा, अंधियारी मन ला नैना के बरती झनमा, चमार के तय गोंदापुर बावन झकोरा वो मन के बागई चमार के तय गोंदापुर बावन झकोरा वो चोली तोरपुर मन के बिरवा माँ पानी डा मन के बिरवा माँ पानी डार परदेसिया बाबू देखा रहता तोरे रे निहार परदेसिया बाबू देखा रहता तोरे रे निहार अंधियारी मल्ला नैना के बरती झनमार अंधियारी मल्ला नैना के बरती झनमार अंधियारी मल्ला नैना के बरती झनमार अंधियारी मल्ला नैना के बरती झनमार। एक नौया किसान हबे ओम प्रकाश साहू जी, ओकर से हम बातचीत करबो। ओम भाई, जिसे आप मन हा खेती किसानी के बूता ल करत हो और एक पढ़े लिखे नवयुवक किसान हरो आप मन हा, कतेक साल हो गया आप मन ला? मोला वैसे 2 से 3 साल हो गए खेती किसानी करत अभी। जी जी जी। हाँ, वैसे करना तो शुरू से रही से, लेकिन अभी 2-3 साल से भी करत हूँ। तो ये जन खेती किसानी के बूता ला आप मन करे हो, आप मन ला कैसन ढंग के प्रेरणा मिली से कि रोजगार के प्रति कि सजग होकर के कि कैसन ढंग के आप मन है खेती किसानी के बूता ला चॉइस करे हो? ऐसे है कि रोजगार के तो समस्या रीथेच रीथे सबो आदमी ला, कृषि के अलावा दूसर काम भी करता हूँ मैं, हाँ, लेकिन ये कृषि ही एक माध्यम है जेला मतलब आज देश में बहुत जरूरत है कृषि के प्रति जागरूक होना, और आज के युवा मल्ला तको अब कृषि के प्रति समर्पित होना भी जरूरी है, तो यही संदेश ला लेके मैं है कृषि कामला शुरू करे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है भैया आपके। और जिसे हम जानना चाहो कि आप मन कैसन कैसन प्रकार के जो योजना है भारत सरकार के,
तो आप मन कौन कौन से प्रकार के योजना ला जाना था और लाभ उठाए हो? एमे सरकार के तो किसान मन पर अब्बड़ कन हेबे योजना है, जेमे प्रमुख योजना में जैसे वो सोलर पंप वाला हेबे है ना, जेकर से बिजली के खपत नहीं होए, बिजली के जरूरत नहीं पड़े, पंप अपन ऐसने चालू हो जाते, ऐसा टाइप से कई योजना है। और ये ग्राम विस्तारक अधिकारी जो थे, ग्राम जिला सहायक कथन उकर मन के सहयोग से हमन औ योजना के बारे में जानकारी मिलाते थे। किसान भाई मन भी ओकर मन के बारे में ओकर मन से मिल के सारा योजना के जानकारी लेके ओकर मन के लाभ ले सकते हैं। अच्छा भैया, जैसे हम धान के खेती करे हन है ना अपन क्षेत्र में, बढ़िया आप मन के धान लहलावत हवे, हम जानना चाहबो कि ये धान के जब खेती हम करे हन तो एमा आप मन हा जिन खातू कचरा डाले हो, जैसे बड़े भैया बताई से कि गोबर के खाद डाले हो, का अंतर महसूस करते हो आप पहली के खेती और आज कल के खेती में? पहली के जो खेती रही से वह सामान्य खेती रही से और मौसम चक्र के ऊपर निर्धारित रहा रही से, लेकिन आज के जो खेती है पूरा वैज्ञानिक खेती हो गए हैं। वैज्ञानिक सिस्टम के आधार पर आज के खेती हुआ थे। पहली मौसम के पानी गिरी था ओकर हिसाब से खेती के ऊपर में निर्भर रहा रही से, और आज जो है वैज्ञानिकता के आधार पर जो खेती होते तो उत्पादन मतलब मैं कहा था कि उत्पादन बढ़े अभी तो। अभी के जो खेती है वो बहुत अच्छा है। अभी जैसे खेती में वो ड्रिप वाला जो सिस्टम है, टपक पद्धति है तो, और वो मल्चिंग वाला जो है, ये मन आधुनिक खेती में आवत है और ये मन बहुत अच्छा उत्पादन देवत है। तो आजकल के किसान मन ये सब चीज़ ला उन्नत होना चाहिए और यूज करना चाहिए सब चीज़ों का। अच्छा भैया, हम आपसे जानना चाहबो, किसान हो आप हो, सुघर पढ़ाई लिखाई करे के बाद में आप खेती की ओर अग्रसर हो, माटी परीक्षण के एक किसान पर कतका महत्व है? माटी परीक्षण कराना काबर जरूरी? जमीन के तैयारी के सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया तो माटी के ही परीक्षण है। जब तक आप माटी के उर्वरक शक्ति ला नहीं जान लो कि आपके माटी कितना तैयार है, ये उत्पादन करे में कितना सक्षम है, तब तक आप आगे के प्रक्रिया अगर करत भी हो तो हो सकते हैं आप आगे चल के धोखा खा जाओ। तो एकर कारण आप ला सबसे पहले माटी के जो है वो परीक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आगे आप ला कितना कन खातु देना है, का दवाई डालना है और कैसन टाइप से फसल लगाना है, एकर बारे में आप ला पूरा अच्छे तरीके से जानकारी हो जाए। बहुत अच्छा बात ला बताया भैया। और ऐसने ही हमारे किसान भाई मन हवे जिन मन हाँ बेरोजगार हवे और आज के समय में जहाँ नौकरी के होड़ लगे हवे और लेकिन नौकरी मिलत नहीं कोनो ला है ना, विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेक्टर में नौकरी आवा थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई है या किसान घर के लड़का मन है, मन बेरोजगार हवे, वो नवयुवक संगवारी मन से आप का कहना चाहूँ, का संदेश देना चाहूँ हम ला? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के साथे साथ हमारे देश में कृषि में बहुत अभी क्रांति की जरूरत है। वैसे बहुत क्रांति आए भी है भाई, जब में सरकार मन के भी बहुत सहयोग रही से, ओकर मन के जो योजना है तेकर भी सहयोग रही से, और बेरोजगारी बढ़त है। तो आज के युवा मन ला तो मैं यही कहता हूँ कि बेरोजगारी बढ़त है तो बेरोजगार मत बैठो, आप कृषि के तरफ में अपन मुँह मोड़ो। कृषि क्या है, देश के जनसंख्या बढ़ते जाही, संसाधन उतके रह जाही तो हमन भूख मर जाबो, ठीक है? तो ये संसाधन ला बढ़ाए पर उत्पादन ला बढ़ाए लगी, ठीक है? मतलब संसाधन है तो उतके रही, उत्पादन जब तक नहीं बढ़ी तब तक ये देश के भला नहीं हो सके। और आज के युवा बेरोजगार रही और सिर्फ खावत रही तो मोर हिसाब से तो अच्छा नहीं है। मैं आज के बेरोजगार युवा मल्ला तक को कहूँ, भैया बेरोजगार मत बैठो, कृषि के क्षेत्र में आओ और कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छा उन्नत खेती कर सकते हो और बहुत ही अच्छा मतलब ये देश के विकास में बहुत सहायक हो ही। तेकर स्थिति मैं तो यही संदेश दूँ आज के युवा मल्ला कि आप अगर बेरोजगार हो तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भैया कि आप कृषि के क्षेत्र में आओ, अपन माटी ला और अपन देश के भाग्य ला भी बदल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, सुघर संदेश आप मन दे हो, सुघर बातचीत करे हुए करबर संगवारी हो, जिसे कि आप मन देखे हो कि हमारे दोनों किसान भाई मन है बढ़िया सुघर ढंग ले वैज्ञानिक खेती करके और एक जागरूक किसान होकर के सुघर अपन अपन क्षेत्र में खेती ला करत हवे। संगवारी हो, आज के कार्यक्रम आप मन ला बने लागी सोई भीमलेश भैया गोठियावत्री से धान के आधुनिक खेती के बारे में, किसान मन है बढ़िया फुरिया फुरिया के वो धान के आधुनिक खेती कैसे करते ओला बताई से, और गीत संगीत तको सुने हो, तकनीकी बात आप मन ला देखा है, ये सबू कार्यक्रम आप मन ला कैसे लागते, आप मन चिट्ठी पाती लिख के जरूर बताया करो संगवारी हो, जेकर से हमार कार्यक्रम में और का सुधार हमन कर सकन ये बात के हमला पता चलते। तो आप मन चिट्ठी पाती लिखो, चिट्ठी पाती लिखे बर मैं पता ला बतावत हूँ, हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन
द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। जाय के भी रहोगे मूल देव विदा। जय जोहार, राम राम।